दादर नरवाना होते हुए आती है, रोहतक होते हुए आती है, ये मान ले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रजत आप सबका एक और बार स्वागत करता हूँ एक और रेल सफर में, एक और रेल यात्रा में। इस बार चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली 240 किलोमीटर की जर्नी, और थंबनेल टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि जनशताब्दी में यात्रा है। अभी तक जितनी भी जर्नी की है मैंने इस ट्रिप पे, बहुत मज़ा आया है। इसी ट्रेन में अपनी ऊना हिमाचल जनशताब्दी में मैं जर्नी कर चुका हूँ चंडीगढ़ से ऊना तक, जो आप देख चुके हो पहले ही आधी जर्नी, और करते हैं चंडीगढ़ से नई दिल्ली तक, तो ये लगभग पूरी जर्नी हो जाएगी उन्होंने हिमाचल जनशताब्दी में। पहले जो जर्नी की थी वो ICF वाले कोचेज में की थी, हाइब्रिड वाले जो पहले चलते थे लगभग अब से 1.5 साल पहले, और अब ये LHB हो चुकी है जो आने वाली है। ये जो खड़ी है मेरे पीछे ये है चंडीगढ़ शताब्दी, जो यहाँ से दोपहर की 12 बजे चलती है। अभी थोड़ी देर पहले जो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, ये आई है अपनी साबरमती से दौलतपुर चौक वाली 19717 साबरमती दौलतपुर चौक एक्सप्रेस। इसमें भी जर्नी कर चुका हूँ मैं दौलतपुर से जयपुर तक, पहले वो वहाँ तक चलती थी जयपुर तक चलती थी, और अभी लगभग दो ढाई महीने से इसको साबरमती तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अब दौलतपुर से साबरमती तक चलती है अपनी वाली ट्रेन। और अपनी जो है जनशताब्दी थोड़ी देर में आने वाली है, अभी 7:26 हो रहे हैं, लगभग 7:30 होने वाले हैं आने वाले थोड़ी देर में। यहाँ पे लगभग उसका 5 मिनट का हॉल्ट है, तो आपको जल्दी से उसका अराइवल दिखाता हूँ और फिर जर्नी को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना, उसको भूलना मत, उसको बिना सोचे समझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो वहाँ पे कोच में पानी भर रहा है दौलतपुर वाली ट्रेन में, और ये भाई साहब भर रहे हैं लाल टी शर्ट वाले। अपनी ट्रेन भी आ चुकी है, तो टाइम से 12 मिनट लेट अपनी ट्रेन आई है 7:50 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट था बस, लगभग हॉन्क हो गया है, यहाँ से भी निकलते हैं। और आज मैं पंचकुला वाली साइड आया, वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 वाली साइड है, वहाँ से आज एंट्री ली है। जो दरिया वाली साइड है प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली, वहाँ से मैंने एंट्री नहीं ली आज, तो ये भी थोड़ा नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पंचकुला वाली साइड से एंट्री लेके। अच्छा लगा, और ट्रेन चल रही है, दिखाता हूँ आपको डिपार्चर। तो टाइम से 5 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट जंक्शन, और यहाँ के जो फेमस छोले भटूरे हैं, छोले कुलचे, वो मैंने ले रखे हैं,
30 रुपए के दो मिलते हैं, दो भटूरे, दो कुलचे, उसके साथ छोले। मैंने एक भटूरा एक कुलचा लिया है, तो देखते हैं डिस्कस करके कैसा होता है। काफ़ी बोलते हैं फेमस है यहाँ के, देखते हैं। और 13 मिनट का यहाँ हॉल्ट है, लेकिन थोड़ा लेट 5 मिनट आई है। अब देखते हैं कितने देर में चलती है। फिलहाल उसे टेस्ट करके बताता हूँ, ख़त्म करता हूँ उसे। ये अपने सब्सक्राइबर मिले हैं, नाम बता दो भाई अपना। बोलूँ अपना सब्सक्राइबर है, रिसेंट सब्सक्राइबर। आपसे मिल कर अच्छा लगा भाई, और भी शेयर करना वीडियो भाई। आपका नाम क्या है? आदि। आदि भाई सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। छोले अच्छे लग रहे हैं काफ़ी देख के। एक भटूरा है, काफ़ी बड़ा है, अभी भी गर्म है, थोड़ा ठंडा सा हो गया क्योंकि डिपार्चर लेने में टाइम लग गया। और एक कुलचा, कुलचा भी गर्म है, तो ट्राई करके देखते हैं क्या टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। टेस्ट बढ़िया है, हल्का सा मसाला ज़्यादा है बस, अभी बढ़िया। प्याज जो दिया उसके साथ खाने में और अच्छा लग रहा है। कुलचे के साथ एक बार ट्राई कर लें। कुलचे के साथ अच्छा लग रहा है, टेस्ट बढ़िया आप ले सकते हो बहुत। अभी चाय और देख रहा था मैं, चाय मिली नहीं तब तक, सिग्नल हो गया ट्रेन का, उससे ख़त्म करता हूँ मैं। टेस्टी काफ़ी अच्छा, टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। कुरुक्षेत्र पहुँचे, 2 मिनट का ही हॉल्ट था यहाँ पे, और अभी चल पड़े हैं। उतरने का मौका ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग चढ़े भी हैं उतरे भी हैं, इसलिए तो भीड़ काफ़ी थी। चाय और ली है, छोले भटूरे अच्छे थे काफ़ी, और भैया पूरी नहीं भर रहे थे, उनको बोला मैंने, फिर उन्होंने पूरी जाके भरी है, लगभग 80% भरी थी, फिर उन्होंने पूरी भरी जाके। चाय तो काफ़ी अच्छी है। और ट्रेन में मेरे को एक और सब्सक्राइबर मिल गए हैं, अपना नाम बता दो भाई। साहिल नाम है, साहिल। एक और मेरे रिसेंट सब्सक्राइबर हैं अभी अभी, और इनसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अपने फैमिली मेम्बर रहते हैं, मिलते रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सेन में आप सेन में ट्रैवल करते रहते हो ना? हाँ जी, हर हफ्ते। तो क्या कुछ क्या क्या अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है ट्रेन के बारे में? सर अच्छी चीज़ तो ये है कि आराम से बुकिंग कराओ, 2.5 घंटे की जर्नी से सीट पर, ये एयरपोर्ट वगैरह से लेते जाओ, और टिकट तो कोई नहीं है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और टिकट मिल जाती है अच्छे से? हाँ, और टिकट मेरे को ज़्यादा तत्काल नहीं मिलेगी। अच्छा, और नहीं तो 4 दिन पहले कम से कम बुक करानी पड़ती है। मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं है? टिकट की प्रॉब्लम मेरे को आई नहीं अब तक वैसे। खाने पीने की कोई? खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 घंटे की तो जर्नी है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी कैटरिंग सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे शीशा नहीं है जो गलत है, पानी आ ही रहा है,
पीछे डस्टबिन है, पूरा साफ है। अभी यहाँ पे भी डस्टबिन है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है। देखते हैं वॉशरूम। तो आ चुका हूँ इंडियन स्टाइल वॉशरूम में। मिरर देख सकते हो गंदा है, ऊपर लाइट जल नहीं रही है, और इसमें भी वाटर टैप में पानी आ रहा है, लेकिन किसी ने कारीगरी कर रखी है। देख सकते हो नीचे डस्टबिन मिल जाएगा, नीचे ठीक ठाक है, और तो पानी गिरा, थोड़ा बहुत पानी गिरा है, लेकिन ठीक ठाक है। ये भी मैं बोलता हूँ एवरेज है। और अभी लगभग 4.5 घंटे, मतलब मान सकते हैं 5 घंटे की जर्नी हो गई है, और हम अभी थोड़ी देर में करतार पहुँचेंगे। तो वॉशरूम है इसका एवरेज, लेकिन बाहर जो है मिरर नहीं है, तो वो गलत है, मिरर तो होना चाहिए था बाहर। ये हैंगर है, और यहाँ पे कुछ वो नहीं है, एयर फ्रेशनर और यहाँ फॉसन भी नहीं है। ये फ्लश के लिए बटन, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ दूसरा वाला वॉशरूम कैसा है। लाइट जल रही है, मिरर फिर भी यहाँ गंदा है। और ये हमारा वेस्टर्न टॉयलेट है, ये गंदा है, बेसिन एवरेज ही है ये भी। तो टाइम से 5 मिनट लेट पहुंच गए करनाल, और तो खाने पीने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें, आमलेट, ब्रेड, कटलेट, और चिप्स, कुरकुरे, फ्रूटी, चाय और केक, ये सब मिल जाएगा। और जो भी आप ले रहे हो ना इसमें, ब्रेड, कटलेट और आमलेट, तो उसका बिल ज़रूर लेना, क्योंकि रेलवे ने खुद बोला है नो बिल नो पे, अगर बिल नहीं देते तो पेमेंट भी आप नहीं करना। और ट्रेन में बताऊँ, 9 इसमें सेकेंड सीटिंग के कोच लगते हैं, 4 लगते हैं इसमें अपने एसी चेयर कार के कोच, और 1 जो है दिव्यांग वाला कोच लगता है इसमें। तो लगभग 14 कोच के साथ ट्रेन चलती है अपनी, वैसे वन हॉल कर रहे हैं इसे। और जो फेयर है जो मैंने पे किया है इसके लिए चंडीगढ़ से दिल्ली, 165 रुपीज़ तत्काल में, नॉर्मल में 150 रुपये लगते हैं। और चंडीगढ़ से दिल्ली एसी चेयर कार में कराओगे तो लगभग 450 यानी 450 रुपये लगते हैं इसमें। अभी टाइम हुआ लगभग 5 घंटे हुए हैं ऊना जनशताब्दी, ऊना हिमाचल से चलते हुए, और ये ट्रेन अपनी ऊना हिमाचल जनशताब्दी रेक शेयर करती है देहरादून जनशताब्दी के साथ। तो समय से 5 मिनट लेट पहुंच चुके हैं पानीपत, और यहाँ आपको खाने पीने के लिए बहुत चीज़ मिल जाएंगी, चाय, ब्रेड पकौड़े। स्टेशन आ गया है, केटरिंग वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से ब्रेड पकौड़े 30 के 2 मिल जाएंगे, और समोसे भी मिल जाएंगे, बहुत सही चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ खाने को। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है हमारा, और जिनकी वेटिंग में शायद सीट रह गई है वो गेट के पास ही अपना बसेरा लगा के बैठे हैं, कुछ वेटिंग वाले ज़्यादा नहीं कुछ। टेस्ट कैसा है भाई, टेस्ट कैसा है? तो ये है कोच का इंटीरियर, 3x3 की सिटिंग का, और लगभग 1 साल पहले ही LHB हुई है अपनी ऊना जनशताब्दी, और हर
सीट पे आपको दो दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे। टोटल सीट इसमें कैपेसिटी है 108। तीन बैठने इनकी सीटिंग है और 108 सीट है टोटल। बस पानी पर से निकलते ही रोक दी गई है, पता नहीं क्या हुआ है। तो 13वां हॉल्ट पहुंच चुके हैं सोनीपत जंक्शन। SNP स्टेशन कोड 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि दिल्ली कालका मेन लाइन का स्टेशन है मेन, और यहाँ से एक लाइन गई है जिंदगी तरफ, इसलिए जंक्शन है। और 5 मिनट लेट पहुंचे हैं यहाँ पे, 2 मिनट का हॉल्ट है। और जैसे मेरे को पैसेंजर ने बताया इस ट्रेन की केटरिंग सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। सही में मैं कह रहा हूँ कि केटरिंग सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, टाइम टाइम पे वो अपना जो भी बेचने के लिए आ रहे हैं, और आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ लेना पड़ेगा आपको बिल। जिसपे MRP है ठीक है, लेकिन जिसपे MRP नहीं है उसका बिल जरूर लेना, क्योंकि नो बिल, बिल नहीं दिया तो आपको पे भी करने की जरूरत नहीं होगी। और टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, अभी साढ़े लगभग 10:45 ही हो रहे हैं सुबह के, मतलब 11 भी अच्छे से नहीं बजे हैं, और 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर। तो लगभग 15 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी SZM स्टेशन कोड। छोटा सा स्टेशन है, सिर्फ 2 या 3 प्लेटफॉर्म का ही, मेनली 2 प्लेटफॉर्म ही है। और आपको एक और चीज दिखाऊं कि यहाँ पे ऐसा है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, यहाँ पे वैसा है ऊपर, लेकिन उस तरफ दोनों, एक तरफ से दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और यहाँ पे लगभग ट्रेन खाली हो चुकी है, क्योंकि जिसको भी नई दिल्ली जाना होता है, फिर आसपास ही जाना है, तो नई दिल्ली पे उतर के क्या करे, सब्जी मंडी पे उतर के मेट्रो पकड़ता है अपनी, जो भी गाड़ी पकड़ के, ऑटो ऑटो पकड़ के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से लगभग आधा घंटा और दे रखा है ट्रेन को। और अभी 11:30 से 5 मिनट कम हो रहे हैं, 11:25 हो रहे हैं, और आधा घंटा और लगा के ये नई दिल्ली जाएगी। स्लैक टाइम अच्छे से दे रखा है, तो 4 किलोमीटर की जर्नी हो रहा है इसकी बाकी नई दिल्ली तक। और ट्रेन पूरी लगभग आधे से ज़्यादा खाली हो चुकी है। और मैं केटरिंग सर्विस की बात करूँ तो ऊना से चंडीगढ़ तक आपको कोई केटरिंग सर्विस नहीं मिलेगी, बाकी फिर आपको केटरिंग सर्विस मिलने लगेगी चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली में, और काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है। और जो सीट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ऊना से चंडीगढ़ बहुत कम सीटें भरी जाती हैं, लगभग आधी खाली आती है, उसके बाद अम्बाला चंडीगढ़ दोनों स्टेशन को मिला के पूरी भर जाती है, और खाली कहाँ होती है, यहाँ दिल्ली आके पूरी खाली होती है। 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन थोड़ा 3-4-5 मिनट और रुकेगी, फिर रहेंगे यहाँ से डिपार्चर। अरे कोई दिखना भी तो चाहिए मोबाइल लेने के लिए। तो टाइम से 5 मिनट लेट अब आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन, ट्रेन की डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली, देश की राजधानी। अब ये 3 घंटे यहाँ वेट करके जाएगी देहरादून, और साथ में ही
जो देहरादून वाली है वो भी आ चुकी है। ये जाएगी 3 घंटे वेट करके ऊना। गर्मी बहुत हो रही है, लगभग 45 डिग्री हो चुका है। और सोनीपत पे मैंने देखा कि पानी की सेवा चल रही है, जो रूह अफजा वाली सेवा है वहाँ पे मेरे को दिखी थी। और अगर आपकी ट्रेन सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्रों के रुक रुक के जा रही है तो आपको वो सेवा मिल सकती है। तो अपने हरियाणा और पंजाब के भाई लोग हैं वो ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये कर सबको ही करनी चाहिए, जो समर्थ होता है, जो कर सकता है उसे करनी चाहिए। पानी की सेवा सबको देनी चाहिए फ्री में, और वो पंजाब हरियाणा के लोग कर रहे हैं। लोग रूह अफजा, ठंडा रूह अफजा, ठंडा पानी वो पिला रहे हैं सबको। जो भी जिसकी भी ट्रेन रुक रही है सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। अब इस जर्नी को ये करते हैं एंड। 240 किलोमीटर की जर्नी मेरी ख़त्म होती है, और ट्रेन की 385 किलोमीटर की ऊना से मेरी चंडीगढ़ से। तो अब इस जर्नी में इतना ही, मिलते किसी और जर्नी में। तब तक के लिए बाय टाटा। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, खुश रहो, खुश रखो। बाय बाय, मिलते हैं अगली जर्नी में। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, वीडियो में करना लाइक, और बिना सोचे समझे कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भूलना मत। और चलते हैं, एक चीज़ और दिखाता हूँ जो नई नई बनी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 16 की साइड जो है स्काईवे, स्काई वॉक जो है वो दिखाता हूँ, फिर एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय। ये रहा स्काई वॉक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन जाने का।